सब्सक्राइब टू फार्मा गाइड हिंदी फॉर मोर एंड मोर एम सी क्यूज वीडियोज रिगार्डिंग टू डी फार्मासी सेकेंड ईयर तो आई होप यह भी वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ रिविजन वाले फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के एम सी क्यूज तो देखते हैं डी स्टूडेंट आज जो है आज हम सारे एम सी क्यूज जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड ईय के सारे के सारे चैप्टर के एम सी क्यूज जो है वन बाई वन करके रीड करेंगे और उसे समझेंगे तो सबसे पहला एम है हमारा ऑक्साइड इज़ यूज एज अ प्रीफिक्स फॉर ऑक्साइड जो है वो प्रिफिक्स करके यूज़ किया जाता है ऑक्सीजन के लिए नाइट्रोजन सल्फर या फिर हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड जो है वो प्रिफिक्स यूज़ किया जाता है उसके बाद बेंज़ोइल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा है तो बेंज़ोइल ग्रुप में जो है सिक्स कार्बन आइटम रहते हैं तो सी सिक्स एच यू सी ओ मतलब ऑप्शन नंबर पहला ही जो है सारे इसके ऑप्शन जो है वो पहले नंबर के ही बराबर ऑप्शन है और बाकी के अदर आपको दिखाई दे रहे होंगे लेकिन जो आपको आंसर सिलेक्ट करना है यही सिलेक्ट करना है तो उसके बाद द नेम ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज़ सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच जो रहता है वो विनिल ग्रुप रहता है देन उसके बाद एसिडिल ग्रुप जो रहता है वो सीएसत्री सी ओ रहता है उसके बाद एन ओ एस पी आर नोन एज एन ओ एस पी क्या है हेड्रो आइटम है एन ओ एस पी हेड्रो आइटम ऑप्शन मिलेंगे आपको हाइड्रो आइटम नाइट्रो आइटम सल्फो आइटम तो हेटरो आइटम है एन एन एस ओ पी मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर एंड फॉस्फरस इसमें सिलिकॉन भी आता है उसके बाद अनादर नेम फॉर फ्यूरेन फ्यूरेन को एक और नाम है जिसे ऑक्जोल कहा जाता है देन उसके बाद द कंपाउंड विच पजेज अ साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर एटलीस्ट टू और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इन देयर रिंग इस टर्म्स एज हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड द कंपाउंड विच पजेस एज अ साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर विद द एटलीस्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इन देयर रिंग इज नोन एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड उसके बाद इफ वन सब्सटीट्यूएंट ग्रुप इज प्रेजेंट देन द नंबरिंग इज गिवन इन अ सच वे दैट द सब्सटिट्यूएट शुड बी अर द लिस्ट पॉसिबल नंबर लिस्ट पॉसिबल नंबर मतलब कम से कम नंबर मिलना चाहिए अगर आप सब्सटिट्यूएंट आइटम वहां पर लगाते हैं तो उसके बाद इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूनोलिन विच हाइड्रो आइटम इज प्रेजेंट तो क्यूनोलिन में जो रहता है वो नाइट्रोजन हाइड्रो आइटम प्रजेंट रहता है उसके बाद इफ़ मोर देन वन सब्सटीट्यूटेड आर प्रेजेंट इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग देन द ग्रुप आर अरेंज इन जो अगर एक सब्सटिट्यूटेड आइटम जो है हेट्रोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट रहता है तो वह कैसे अरेंज किए जाते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर मतलब एक से ज़्यादा हेट्रो आइटम वहाँ पर रहते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से वो हेट्रो आइटम आइडेंटिफाई किए जाते हैं और बाद में उसे नंबरिंग दी जाती है देन क्वेश्चन नंबर एलेवन इन विच कंपाउंड बेंज़ोपायरो रिंग इज प्रेजेंट बेंजोपायरो रिंग कहाँ पर प्रेजेंट रहते इंडोल नाम के कंपाउंड में देन सी एफ थ्री इज द ट्राईफ्लोरो मिथिल ट्राईफ्लोरो मिथिल इज द फार्मूला फॉर सी एफ थ्री इज द फार्मूला फॉर ट्राइफ्लोरो मिथिल देन एसो टू एन एच टू इज द स्ट्रक्चर इन विच स्ट्रक्चर इज यूज फॉर जो एसो टू एन एच टू स्ट्रक्चर रहता है वो सल्फोनामाइट के लिए यूज़ किया जाता है उसके बाद दो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम ऑफ द रिंग आर ज्वाइंट बाय द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड एज जो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड रहता है जिसमें कार्बन एटम जो रहता है वो रिंग के साथ ज्वाइन हुआ रहता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से उसे हम क्या कह सकते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड अदर ऑप्शन भी देख लीजिएगा एक बार उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन अ सीरीज़ ऑफ कंपाउंड इन विच ईच मेंबर डिफर फ्रॉम द नेक्स्ट मेंबर बाय सी एस टू मोइटी इज कॉल्ड एज होमोलॉगस सीरीज तो देखिए ऐसा कंपाउंड जिसमें कि हर एक कंपाउंड जो है वो सी एस टू मतलब मिथिलिन myth, ग्रुप से जो है डिफर करता है उसे होमोलॉगस सीरीज कहा जाता है उसके बाद एन एटम और द ग्रुप ऑफ एटम डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन गिवन कंपाउंड एंड दिस स्टेटमेंट इज़ यूज फॉर जो देखिए एटम और ग्रुप ऑफ एटम डिफाइनिंग फंक्शनल फंक्शन ऑफ गिवन कंपाउंड उसे फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है जो कि फंक्शन बताता है कि यह क्या करने वाला है उसके बाद आयरिडीन इज यूज़ फॉर आयरिडीन जो सफिक्स रहता है वो थ्री मेंबर रिंग के लिए यूज किया जाता है ध्यान में रखिएगा थ्री मेम्बर रिंग के लिए आयरिडीन ईपाइन इज द सफिक्स यूज फॉर सेवन मेंबर रिंग के लिए फ्यूरन कंटेंट विच हेड्रो फ्यूरैन है मतलब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन इसे ही दूसरा नाम क्या है ऑक्जोल शिवरेन को दूसरा नाम ऑक्जोल है देन आइडेंटिफाई द एंटीसेप्टिक एंड डिसटन ड्रग तो देखिए ऐसे ड्रग दिए हुए रहेंगे आपको प्रोफेल्विन क्लोरोक बेंजिल पेनिसिलिन बल एंड एजा थ्रीपिन एंड कैफिन एंड निकेतामाइट तो देखिए एंटीसेप्टिक और डिस हमारा तो प्रोफेलविन क्लोजो रिजोल है उसके बाद बेंजिल एम्फिसिन पेनिसिलिन और एम्फिसिन जो है एंटीबायोटिक है और बल और एजा थायोप्रीन यह क्या है एंटी न्यूप्लास्टिक मतलब एंटी कैंसर ड्रग है और कैफिन और निकेता क्या है सीएनएस नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है. तो हमारा क्या हो सकता है एंटीसेप्टिक और डिस इंफेक्टर प्रोफेलविन और देन उसके बाद एक्रीडिन थ्री सिक्स डायमाइन इज अ केमिकल नेम फॉर द प्रोफेल्विन प्रोफेलविन का केमिकल uh, नेम जो है आपको ध्यान में रखना है 6, 6, यह किसका नाम है केमिकल नेम है या फिर आयुपैक नेम है प्रोफेलविन का उसके बाद रिंग सिस्टम प्रेजेंट इन प्रोफेलविन प्रोफेलविन में कौन से रिंग प्रेजेंट रहते हैं एक्रेडिन यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में ही बताया गया एक्रेडिन थ्री सिक्स डायामाइन तो प्रोफेलविन का है तो एक्रेडिन वहाँ पर रिंग प्रेजेंट रहती है प्रॉपुलर ब्रांड नेम ऑफ एन क्लोरोजेनेलॉल क्लोरोजैनोलॉलॉलॉलॉलॉलॉल का प्रॉपुलर ब्रांड नेम क्या है डेटॉल तो हमने पहले भी इसका डिस्कशन किया है एंटीसेप्टिक और डिसइनफेक्टर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा वह वीडियो उसके बाद क्लोरोजाइनोलॉल इज द डेरिवेटिव ऑफ जो क्लोरो ऑक्जिलेलॉल यह डेरिवेटिव है किसका फिनॉल का क्यों क्योंकि पीछे देखिए क्लोरोजाइलेनॉल नॉल मतलब ओयल आया मतलब फिनॉल का डेरिवेटिव है उसके बाद फोर क्लोरो थ्री मि, मि, मिथिल फिनॉल इज एन आयुपैक नेम ऑफ फोर क्लोरो थ्री मिथिल फिनॉल जो है वो क्लोरो क्रिजॉल का क्या है आयुपैक नेम है और क्लोरो क्लोरोजाइनोलॉल को क्या कहा जाता है फिनॉल मतलब यह आपको कंफ्यूज हो सकता है क्लोरोजोल का आयु पैक नेम क्या है फोर क्लोरो थ्री मिथिल फ्यूनॉल उसके बाद व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एंटीसेप्टिक एंड डिस एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टन किस लिए यूज़ करते टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बाकी के ऑप्शन जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है देन उसके बाद केमिकल सब्सटेंसेस विच किल द बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज जो केमिकल सब्सटेंसेस बैक्टीरिया को किल करते हैं उसे हम आ, क्या कहते हैं बैक्टेरिसाइड और जो फंगाई को किल करेंगे फंगीसाइड जो वायरसेस को किल करेंगे वायरिसाइड और स्पोरोजोइट को किल करने वाले वो कौन से रहते हैं स्पोरोजोइ्स तो इस तरीके से यहाँ पर है उसके बाद विच केमिकल इज़ यूज टू प्रिवेंट द सेप्सिस सेप्सिस के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है तो 28 नंबर का चालू था विच केमिकल इज़ यूज टू प्रिवेंट द सेप्सिस सेप्सिस के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा केमिकल जो है वो यूज़ किया जाता है एंटीसेप्टिक जो है वो है यूज़ किया जाता है सेप्सिस के ट्रीटमेंट के लिए बाकी अदर ऑप्शन एक बार देख लीजिएगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ एन हेलोजन डेरिवेटिव हेलोजन डेरिवेटिव है नीचे दिया गया कौन सा क्लोरामाइन या फिर ब्रोमीन या फिर फॉस्फर सेप्सिस सल्फर तो क्लोरामाइन टी जो है वह हेलोजन डेरिवेटिव है क्यों क्योंकि उसमें क्लोरामाइन टी है उसके बाद व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट सरफेस पे एक्टिव रहने वाला एजेंट कौन सा है बेंजालकोनियम क्लोराइड क्यों बेंजालकोनियम क्लोराइड क्यों क्योंकि यह जो है वह आयंस बनाता है तो आयंस के वजह से वह सरपेस एक्टिव एजेंट कहलाता है देन व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव टर्म यूज फॉर द फिनॉल फिनॉल को लिए अल्टरनेटिव टर्म है कार्बोलिक एसिड कार्बोलिक एसिड करके फिनॉल को बोला जाता है देन विच ड्रग इज़ यूज एज अ एनालिसिक फॉर सेंसिटिव डेंटाइन डेंटाइन सेंसिटिव के लिए एनालिसिक करके कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है तो उसका नाम है लिक्विफाइड फिनॉल जो कि जो दांतों में दर्द होता है सेंसिटाइजेशन की वजह से उसे ट्रेड करता है देन विच ड्रग इज़ अ पोटेंट डिस इन्फेक्टर एंड ऑल्सो यूज एज अ टॉपिकल एंटीसेप्टिक तो क्लोरोक्रिजॉल इज यूज एज अ पोटेंट डिसइनफेक्टर एंड यूज एज अ टॉपिकल एंटीसेप्टिक उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर विच ड्रग इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक इन द लो कॉन्सेंट्रेशन विथ प्रोलोंग इफेक्ट कौन सा एंटीसेप्टिक है जो कि लो कॉन्सेंट्रेशन और प्रोलोंग इफेक्ट के लिए जो है वो जाना जाता है हेक्जा क्लोरोफिन उसके बाद गैमोफिन इज अ ब्रांड नेम ऑफ गैमोफिन किसका ब्रांड नेम है हेक्जा क्लोरोफिन का तो देखिए एग्जाव क्लोरोफिन पर दो आ चुके हैं मतलब एग्जाव क्लोरोफिन जो है वो इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा उसके बाद विच ड्रग इज़ यूज फॉर द स्किन एंड वाउंड डिस इनफेक्टन वाउंड डिस और स्किन के लिए कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है क्लोरोज हैंड लॉल देन उसके बाद विच ऑर्गेनिक मर्क्यूरियल इज़ यूज एज अ बैक्ट्रियोस्टेटिक एजेंट तो मर्क्यूरियल आया तो समझ लेना थायोमरसाल है मर्क्यूरियल्स मतलब थायोमरसलॉल ऑर्गेनिक मर्क्यूरियल थायोमरसाल और बाकी के नहीं आते उसके बाद विच एंटीसेप्टिक ड्रग हैविंग द एक्रेडिन हेट्रोसाइकल रिंग तो देखिए एक्रेडिंग पहले ही बोला एक्रेडिंग थ्री फोर डायान अमाइन था वो प्रोफेलविन का नेम था तो इसीलिए एक्रेडिन क्या है प्रोफेल्विन का नाम है उसके बाद विच अल्टे हड यूज़ यूज फॉर द डिसिनफेक्शन ऑफ सर्जिकल ग्लोव एंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा अल्टेहैड जो है वो डिसइनफेक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है सर्जिकल ग्लोव और इंस्ट्रूमेंट के लिए तो फॉर्माल डेड एक ही अल्टे है जो कि एंटीसेप्टिक करके यूज़ होता है फॉर्माल डेड उसके बाद व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ कैटायोनिक सरफक्टन कैटायोनिक सरफेटन का एग्जांपल है सेटरी माइट उसके बाद नाइट्रोफ्यूरेंटाइन इज़ यूज एज अ यूरिनरी एंटीसेप्टिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाइट्रोफ्यूरेंटाइन उसके बाद विच ड्रग इज़ यूज यूज एज अ एंटीसेप्टिक एंड एनालिस इन द माउथ अल्सर एन टॉन्सिटिस तो फिनॉल जो है वो एंटीसेप्टिक uh, या फिर एनालिसिक करके माउथ अल्सर और टॉन्सिटिस के ट्रीटमेंट के लिए मदद उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 थ्री है हमारा सल्फोनामाइड आर द डेरिवेटिव ऑफ़ तो देखिए सल्फोनामाइड क्या है सल्फोनामाइड के डेफिनेशन ही कहते हैं सल्फोनामाइड आर द डेरिवेटिव ऑफ़ सल्फा नीलामाइड तो किसके डेरिवेटिव है वो सल्फा नीलामाइड ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर बाकी भी ऑप्शन आप देख लीजिएगा एक बार मैं दो रह नहीं ये रिवीजन बैच जो है आपकी चालू है उसके बाद सल्फोनामाइड आर इन द एक्शन सल्फोनामाइड कैसे एक्शन करते हैं बैक्टीरियो स्टैटिक रहते हैं वो बैक्टेरियसइडल नहीं रहते वेरी साइडल नहीं रहते फंगी साइडल नहीं बैक्टीरियो स्टैटिक रहते मतलब वो क्या करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करते उसके बाद सेप्ट्रैन सेप्ट्रैन यह ट्रेड नेम है कॉटरी मोगजाजोल का कॉट्री मोगजाजोल का ट्रेड नेम क्या है ट्रेड नेम कहा जा सकता है ब्रांड नेम कहा जा सकता है कॉटरी मोगजाजोल का ब्रांड नेम है सेप्ट्रैन उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड कौन सा नहीं है सल्फा डाइजाइन जो है वो लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड नहीं है बाकी के लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड है जैसे सल्फा डाई लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड है सल्फा डॉक्जीन लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड है सल्फा

देन आर फॉर इंटेस्टाइनल एक बार अच्छे से फिर से जो है वो सल्फोनामाइड का क्लासिफिकेशन एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा क्यों क्योंकि इस साल जो है सल्फोनामाइड पे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट है हमारा विच इज़ अ शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड कौन सा है पहले हमने देखा था लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड कौन सा है तो लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड का एक्सेप्शन देखा था सल्फा उसमें लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड थे सल्फाइड डायमिथोक्न उसके बाद सल्फाडॉक्सिन और सल्फाडाथोक्जी पायरेडाइजीन अब है हमारा शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड इसमें से कौन सा नहीं है तो पहले हमने लॉन्ग एक्टिंग देखे थे लॉन्ग एक्टिंग में एक एग्जाम्पल था सल्फा डाइमिथोक्जाइन तो वही यहाँ पर अप्लाई होता है सल्फा तो सल्फा क्या है, है, तो सल्फ़ा 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 क्या क्या यह, यह और और फ्यूरोल। उसके बाद, क्टिंग न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सल्फाडाइजिन सल्फाडाइजिन में कौन सा हाइड्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है मतलब कौन सी रिंग प्रेजेंट है तो पायरेमिडीन रिंग इसमें जो है वो प्रेजेंट है देन उसके बाद द हाफ लाइफ ऑफ इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनाइडज़ जो इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड रहते है उसकी लाइफ कितनी रहती है टेन टू टेन हवर से लेकर दस ट्वेंटी फोर हवर के बीच में और अदर ऑप्शन देख लीजिएगा थोड़ा सा कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन है तो अच्छे से देख लीजिएगा या फिर नोट डाउन स्क्रीन निकाल लीजिएगा जो सल्फोनामाइड हैविंग सल्फोनामाइड रहते हैं क्या रहते हैं सल्फोनामाइड के पास एंटीबैक्टेरियल एक्टिविटी तो सल्फोनामाइड के पास क्या रहते हैं एंटीबैक्टेरियल एक्टिविटी रहती है उसके बाद टू इन ब्रैकेट पैराइनो बेंजिन सल्फोनामाइड पायरमिडिन इज एन केमिकल नेम ऑफ देखिए टू इन ब्रैकेट पैराइनो बेंजिन सल्फोना अमाइडो पायरमिडिन यह किसका केमिकल नेम है मतलब आयुपैक नेम है तो सल्फाडाइजिन का है उसके बाद ब्रांड नेम ऑफ सल्फा क्वानिडीन सल्फा क्वानेडीन का ब्रांड नेम क्या है सल्फा ग्वाइन देन उसके बाद मूव करते हैं एंटी मलेरियल चैप्टर पे मलेरिया इज कॉ कॉज बाय विच पैरासाइड तो मलेरिया किससे होता है प्लाज्मोडियम स्पेसिस से होता है यहाँ पर जो है अलग अलग दिए हुए रहे हैं इसीलिए प्लाज्मोडियम स्पेसिस से क्या होता है मलेरिया कॉज होता है देन उसके बाद हमारा फिफ्टी फाइव वाला क्वेश्चन विच ड्रग इज़ यूज टू ट्रीट अम्योबिक हेपेटाइटिस अम्योबिक हेपेटाइटिस के लिए कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है तो क्लोरोक्विन इज द ड्रग विच इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस और ब्रांड नेम ऑफ पायरेमिथामाइन पायरेमिथामाइन का ब्रांड नेम क्या है डेला प्राइम उसके बाद द ड्रग्स विच प्रिवेंट और क्यूर द पैरासाइटिक डिसीज आर नोन एज एंटी मलेरियल ड्रग ऐसे ड्रग्स जो कि प्रिवेंट करते हैं या फिर क्यूर करते हैं क्या पैरासाइटिक डिसीज उन्हें हम एंटी मलेरियल ड्रग कहते हैं उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ पैरासाइट इज मोस्ट सीरियस कौन सा प्रोटोजोआ पैरासाइट मोस्ट प्रो सीरियस है प्लाज्मोडियम पालसिफेरम ऑन मैच्योरिटी मेरोजोइड्स आर रिलीज फ्रॉम मैच्योरिटी पे मेरोजोइड्स कहाँ से रिलीज होते हैं लिवर सेल से उसके बाद अंडरगो अंडरको स्पोरोगोनी स्पोरो इन द गट गट में गमिटोफाइट स्पोरोगोनी फीमेल मॉस्किटो उसके बाद मलेरिया इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ बाइट मलेरिया बाइट से ट्रांसमिट होता है किसके फीमेल एनेमो फिलाई मॉस्किटो के देन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया मलेरियल इन्फेक्शन आर चिल्स फॉलोड बाय द एनलार्जमेंट ऑफ लिवर बॉडी पेन्स एंड स्वेटिंग उसके बाद वेज प्लाज्मोडियम पैरासाइट डिस्ट्रॉय द लार्ज नंबर ऑफ एंड ब्लड सेल कॉजिंग एनेमिया तो प्लाज्मोडियम फालसिपैराम क्या करता है लार्ज नंबर ऑफ एंड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करता है उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज इफेक्टिव एट द प्री प्रीरिथ्रोसाइटिक स्टेज प्री रिथ्रोसाइटिक स्टेज में कौन सा ड्रग इफेक्टिव रहता है तो प्राइमिक्विन इज द ड्रग उसके बाद विच ड्रग इज द फास्ट एक्टिंग सिजोंटिसाइट्स क्लोरोक्विन इज द फास्ट एक्टिंग सिजोंटिस उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूनोलिन डेरिवेटिव हैविंग द फोर अमाइनो क्यूनोलिन ग्रुप तो फोर अमाइनो अमाइनोक्न ग्रुप कौन से क्यूनोलिन डेरिवेटिव का है क्लोरोक्विन का है एम्ब्लोडक्विन का है उसके बाद विच ड्रग बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ जी अमाइनो एक्रेडिन जी अमाइनो एक्रेडिन के कैटेगरी में कौन सा ड्रग बिलोंग करता है तो मेपाक्राइन। उसके बाद थ्रा ट्राइमेथोप्राइम इज यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्राइमेथोप्राइम इज अ पायरेमिडिन डेरेविटिव पायरेमिडिन डेरेविटिव है ट्राइमेथोप्राइम उसके बाद विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोक्विन क्लोरोक्विन बहुत ही बार पूछा गया वाला जो है यह चैप्टर में से है क्लोरोक्विन पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोक्विन इज क्यूनोलिन और सीप्ला सीप्लाक्विन या फिर एमियोबायोटिक आर द ब्रांड नेम ऑफ सिप्लाक्विन एमियोबायोटिक आर द ब्रांड नेम ऑफ क्लोरोक्विन मैंने पहले ही बता दिया कि क्लोरोक्विन पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसके बाद एम्ब्लोडाइक्विन हैविंग द केमिकल नेम एम्ब्लोडाइक्विन का केमिकल नेम क्या है सेवन क्लोरो फोर इन ब्रैकेट फोर हाइड्रॉक्सी थ्री डाई इथिल अमाइनो मिथिल फिनिल अमाइनो क्यूनोलिन उसके बाद विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट इन पायरीमेथामाइन पायरेमेथामाइन में कौन सी हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट रहती है पायरेमिडिन उसके बाद टू फोर डायामाइनो पैरा फाइव पैरा क्लोरोफिनिल सिक्स इथिल पायरमिडिन इज एन आयुपैक नेम ऑफ पायरीमेथामाइन उसके बाद ब्रांड नेम ऑफ पायरीमेथामाइन डेला प्राइम बहुत ही बार पूछा गया है उसके बाद वेज एंटी मलेरियल ड्रग आर यूज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड सल्फोनामाइट सल्फोनामाइट के साथ कॉम्बिनेशन में एंटी मलेरियल ड्रग कौन सा दिया जाता है ट्राइमेथोप्रिम यह भी पिछले साल जो है वो पूछा गया था एम सी क्यू उसके बाद मोनोट्रीम और सायरा प्राइम आर द कॉमन ब्रांड नेम ऑफ ट्राई मेथोप्रीम तो मोनोट्रीम और सायरा प्राइम क्या है ब्रांड नेम है ट्राइमेथोप्रीम के उसके बाद एंटीबायोटिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द सिलेबस एंटीबायोटिक एंटीबायोटिकार्थ है केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूसेज बाय कौन प्रोड्यूस करता है लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके बाद ऑफिशियल प्रिपरेशन ऑफ बेंजिल इज़ ऑफिशियल प्रिपरेशन कौन है बेंज़िल पेनिसिलिन का तो बेंजिल पेनिसिलिन इंजेक्शन उसके बाद सिक्स इन ब्रैकेट टू अमाइनो टू फेनिल एसिटामिडो पेनिसानिक एसिड इज अ केमिकल नेम ऑफ एम्फी और रोसेसिलिन इज द ब्रांड नेम ऑफ एम्फी उसके बाद व्हाट एप्पन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाईली स्टेड बीटा लैक्टम रिंग इन द बेंजिल पेनिसिलिन डिग्रेडेड रैपिडली इन द स्ट्रॉग एसिडिक एंड बेसिक मीडिया उसके बाद एंटीलेप्रोटिक ड्रग डैप्सोन एंड इथियोनामाइड बिलोंग टू विच कैटेगरी एंटीलेप्रोटिक उसके बाद फोर फोर डैश डाय अमाइनो सल्फोन्स इज एन केमिकल नेम ऑफ विच ड्रग डैप्सोन उसके बाद द एंटी फंगल एजेंट आर द ड्रग्स एम्प्लॉयड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन देन माइकोडैन डेसेनेक्स आर द ब्रांड नेम ऑफ अंडेस आइलेनिक एसिड अंडेसाइलेनिक एसिड पे बहुत ही बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है एंटी लेप्रोडिक चैप्टर से उसके बाद एंटी ट्यूबरकुलर वट इज द कॉजिटिव ऑर्गेनिजम ऑफ एंटी ट्यूबरकुल ट्यूबरकुलॉसिस माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरकोलासिस देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट्टी सेवन आइसोनाइज डेवलप रेजिस्टेंस विद इन अ फ्यू वीक्स हिंस इट इज गिवन इन द कंजक्शन विथ इथेंब्यूटॉल आइसोनाइजेड और इथेम्ब्यूटॉल का क्या दिया जाता है कॉम्बिनेशन ताकि रेजिस्टेंट जो है वो बैक्टीरिया डेवलप ना कर सके अगेंस्ट द आइसोनाइड उसके बाद फोर अमाइनो टू हाइड्रोक् बेंजोइक एसिड इज अ केमिकलम ऑफ पैरा अमाइनो सैलिसलिक एसिड फोर अमाइनो टू हाइड्रोक् बेंजुक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ पैरा अमाइनो सैलिसलिक एसिड ब्रांड नेम ऑफ पास पास का ब्रांड नेम का है इडी पास तो पी ए एस उसके आगे सिर्फ आपको ईडी लगाना है इडी आप ध्यान में रख सकते हैं इडली से तो ईडी पास इज द ब्रांड नेम ऑफ पास पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड देन एंटीअम्योबिक एजेंट अम्योबाइसिस इज अ पैरालिटिक प्रोटोजोल इन्फेक्शन कॉज बाय हिस्टोलिटिका उसके बाद यन यन डाईथिल वन फोर मिथिल पिपराजिन वन कार्बोजाइड इज अ केमिकल नेम ऑफ डाईथिल कार्बामाजाइड उसके बाद ब्रांड नेम ऑफ डाईथिल कार्पामाजाइड क्या है हो सकता है फिलाजाइन इज द ब्रांड नेम ऑफ डाइथिल कार्पेमा उसके बाद एंटी प्लास्टिक एजेंट बहुत ही बार जो है एंटी प्लास्टिक एजेंट को ही कहा जाता है एंटी कैंसर एजेंट्स तो न्यूप्लाज्म इज अ मेडिकल टर्म यूज फॉर कैंसर तो की मेडिकल टर्म है किसके लिए यूज की जाती है कैंसर के लिए क्लोरामब्यूसिल एंड एक्टिव एक्टिवाइसिन आर द एग्जाम्पल ऑफ विच कैटेगरी क्लोरामब्यूसिल और एक्टिनो माइसिन किसके एग्जाम्पल है तो एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग के उसके बाद वेन द ग्रुप ऑफ द प्लाज्मा सेल बिकम कैंसरस एंड मल्टीप्लाइज इज कॉल इट्स कॉल्ड एज ऐसा ग्रुप प्लाज्मा सेल का ऐसा ग्रुप जो कि कैंसरस या फिर मल्टीप्लाई हो जाता है उसे क्या बोला जाता है माय इलोमा मायोलिमा उसके बाद लोकल एनास्थेटिक द ड्रग्स विच प्रोड्यूसेज रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन इन लिमिटेड एरिया विदाउट द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड एज लोकल एनास्थेटिक देन उसके बाद क्वेश्चन नाइंटी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाई इथिल अमाइनो इथर इथिल ईस्टर ऑफ पैरा अमाइनो बेंजुक एसिड तो प्रोकेन बहुत ही बार पूछा गया है प्रोकेन ध्यान में रख लीजिएगा स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा व्हाट इज द फॉर्मुलेशन ऑफ़ लिग्नोकेन लिग्नोकेल का फॉर्मुलेशन क्या है लिग्नोकेन इंजेक्शन एंड आई ड्रॉप देन ब्रांड नेम ऑफ लिग्नोकेन ओटेक ओटेक इज द ब्रांड नेम फॉर लिग्नोकेन उसके बाद सी एन एस टिमुलंट द ड्रग्स विच इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ सी एन एस आर कॉल्ड एज ऐसा ड्रग जो कि सी एन एस के वेरियस पार्ट को एक्टिवेट करता है उसे क्या कहा जा सकता है सी एन एस स्टिमुलंट इसमें कैफिन आ जाता है और अदर ड्रग्स आ जाते हैं उसके बाद वन थ्री सेवन ट्राई मिथिल झैंथिन इज़ अ केमिकल नेम ऑफ कैफिन तो देख लीजिए वन थ्री सेवन ट्राईमिथिल झैनथिन इज़ अ केमिकल नेम ऑफ कैफिन तो कैफिन क्या है जैनतीन डेरिवेटिव है उसके बाद विच ड्रग हैविंग द रेस्पायरेटरी स्टिमुलेंट एक्टिविटी रेस्पायरेटरी स्टिमुलेंट एक्टिविटी कौन से ड्रग में होती है कोरामाइन में उसके बाद फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ निकेटामाइड निकेटामाइड इंजेक्शन देन जनरल एनास्थेटिक जनरल एनास्थेटिक आर द सी एन एस डिप्रेशन ड्रग और डाइथिलथर इज अ वेरी इम्फ्लामेबल ड्रग उसके बाद सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स सेडेटिव और हिप्नोटिक्स क्या रहते हैं ऐसे कर रहते हैं वो क्या करते हैं एक्साइटमेंट एक रिड्यूस करता है और एक जो है नेचुरल स्लिप जो है वो लाता है उसके बाद द ड्रग्स विच डिप्रेस द सी एन एस एंड प्रोड्यूस स्लिप इज नोन एज हिप्नोटिक्स एंड द ड्रग्स विच विच आर सी एन एस डिप्रेशन बट डज नॉट इंड्यूस द स्लिप आर नोन एज सेडेटिव उसके बाद विज ड्रग इज़ यूज एज अ सेडेटिव इन द नर्वस इन्सोमिया एन्जाइटी स्टेट एंड डिसमोनोरिया तो फिनोबार्बिटॉन क्या है ऐसा ड्रग्स है जो कि नर्वस इन्सोमिया एन्जाइटी स्टेट या फिर डिसमोनोरिया के ट्रीटमेंट के लिए मदद करता है उसके बाद विज ड्रग इज़ यूज एज अप्नोटिक एंड सेडेटिव तो पैरा आलडेट जो रहता है वो हिप्नोटिक्स और सेडेटिवस करके यूज़ किया जाता है ऑप्शन में से जो है पैरा आलडेट इज करेक्ट आंसर देन ट्रंकिलइजर एंटीसाइकोटिक और द न्यूरोलेप्टिक इज ऑल्सो नोन एज एंटीसाइकोटिक जो ड्रग रहते उन्हें हम क्या कहते हैं ट्रंकिलाइजर ड्रग कहते हैं उसके बाद क्लोर प्रोफेमाइज इज यूज टू ट्रीट जो क्लोर प्रोफेमाइज रहता है बहुत ही बार पूछा गया है क्वेश्चन सीजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है उसके बाद वन थ्री सेवन ट्राईमिथिल जेंथिन इज अ केमिकल नेम ऑफ कैफिन पहले ही हो चुका है उसके बाद थियोफाइलिन हैज अ ब्रांड नेम एक्सेप्ट थियोफाइलिन के ब्रांड नेम है लेकिन एक को छोड़ तो के कोरोमाइन कोरोन इट इज नॉट अ ब्रांड नेम ऑफ थियोफाइलिन तो थियोफाइलिन के ब्रांड नेम क्या है एस्तामा जेन ब्रोंकास्मा एंड मिनोफाइलिन देन आइडेंटिफाई द जनरल एनस्थेटिक ड्रग डाइथिल इथर इज अ जनरल एनर्स्थेटिक ड्रग उसके बाद बाकी जो ड्रग है वो क्या है ट्रंकिलाइजर है देन उसके बाद एंटीपायरेटिक द ड्रग्स विच रिड्यूसेज इलेवेटेड बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड एज एंटीपायरेटिक ड्रग तो इसमें आपको पूछा जाएगा एंटीपायरेटिक में क्या यूज़ किया जाता है पैरासीटाम यूज़ किया जाता है उसके बाद कई कई बार जो है एस्पेरिन भी इसके साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है एनाजी एनाजेसिक एनाजिटिक क्या रहते हैं ऐसे ड्रग्स अ ड्रग्स विच आर यूज टू रिलीव द पेन आर नोन एज एनालिसिक एंड पैरासिटामॉल इज यूज टू रिलीव द पेन एज एज गिवन एक्सेप्ट द फॉलोइंग पैरासीटामॉल जो है वो पेन भी रिड्यूस करता है बॉडी टेम्परेचर भी रिड्यूस करता है लेकिन रिड्यूस पेन करने के बाद यह नहीं करता कौन से प्रॉपर्टीज हेड एक टूथेक और न्यूरोलजिया के लिए वो नहीं रहता उसके बाद द ड्रग्स विच आर यूज टू रिड्यूस इंफ्लामेशन आर एज इन्फ्लामेशन रिड्यूस करने वाले ड्रग कौनते रहते हैं एंटी इन्फ्लामेट्री एजेंट ब्रांड नेम क्या है इंडोमेथासन का सिप्लेसाइड उसके बाद फोर इन ब्यूटिल वन टू डाइफिनिल पायराजुलिडिन एंड थ्री फाइव डायोन्स इज अ केमिकल नेम ऑफ फिनिल ब्यूटा जोन उसके बाद विच ड्रग इज़ यूज टू तो रिलीव ब्रॉन्कील प्लाजम इन एक्ट अस्तमा एड्रेनालिन एड्रजिक ड्रग अब लग चुके हैं ऐसे ड्रग जो कि ब्रॉकियल प्लाजम जो है वो रिलीव करतेमा में तो एड्रेनालिन उसके बाद विच ऑफ़ द फॉलोइंग ब्रांड नेम ऑफ प्रोपेनोलॉलॉल तो सिप्लार इज द ब्रांड नेम फॉर प्रोपेनोलॉल। उसके बाद विच ड्रग इज़ यूज एज अ मैट्राइटिक इन द ऑफेलमिक प्रोडक्ट तो मैट्राइटिक करके यूज़ किया जाता है ऑफथेलमिक प्रोडक्ट में कौन सा ड्रग है वो एट्रोपिन और ब्रांड नेम ऑफ फुरे फ्रूजे माइड फ्रूजे माइड का ब्रांड नेम क्या है लेसिक्स इट इज द ब्रांड नेम फॉर क्या फ्रूजे फुरु, माइड देन अब हम डायुरेटिक देखेंगे डायुरेटिक क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनहिबिट द एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेस ऐसा डायुरेटिक ड्रग जो कि एंजाइम जो कार्बोनिक अनहाइड्रेस है उसे इनहिबिट करता है तो कौन सा है वो एसिटा झोलामाइड उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्स एज अ पोटेशियम स्पेरिंग डायुरेटिक एम्यूलोराइड इज द पोटेशियम स्पैरिंग डायोरेडिक उसके बाद विच रिंग सिस्टम इज प्रेजेंट इन हाइड्रोक्लोरथाइजाइड तो हाइड्रोक्लोरथाइसाइड में कौन सी रिंग प्रेजेंट रहती है बेंजो डाइजाइड उसके बाद लैसिक्स इज द पॉपुलर ब्रांड नेम फॉर फ्लू फुरोसेमाइट उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई सीलिंग एंड लूप डायोरेडिक फुरोसेमाइट इज द हाई सीलिंग और लूप डायोरेडिक उसके बाद डायग्नोस्टिक एजेंट्स जो कि डायग्नोसिस के, के लिए यूज़ किए जाते हैं इवेंस ब्लू इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एन ब्लड उसके बाद इंडिगो कार्मिन इन... इज यूज फॉर इज कॉल्ड एज इंडिगो कार्मिन को क्या कहा जाता है इंडिगो टिन डाय सल्फोनेट उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट आर यूज इन द तो दफ्थेलिक प्रैक्टिस टू डिटेक्ट द कॉर्नियल लेसियंस एंड फॉरन बॉडीज तो ऐसा ड्रग यूज किया जाता है ऑफथेलम्बिक प्रैक्टिस में जो कि कॉर्नियल लेसियंस और फॉरेन बॉडीज़ जो है वो डिटेक्ट करता है फ्लोरोसेंस सोडियम उसके बाद विटामिन पे जो है इंपॉर्टेंट है पहले ही वीडियो बना चुके हैं विटामिन पे वो देख लीजिएगा फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा विच ऑफ़ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोबेलामाइन विटामिन बी ट्वेल्व विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द नॉट अ फैट सोल्यूबल विटामिन विटामिन सी डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज द बेरी बेरी विटामिन बी वन डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज ऑस्टियोमेलेसिया विटामिन डी उसके बाद नेम ऑफ द डिसज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ नाइसिन पेलाग्रा उसके बाद नेम ऑफ द विटामिन विच फंक्शंस एज अ हॉर्मोन एज वेल एज विजुअल पिगमेंट तो रेटिनॉल विच एक्स एज अ हॉर्मोन एज वेल एज़ विजुअल पिगमेंट उसके बाद कार्डियोस्कुलर एजेंट तो कार्डियोस्कुलर एजेंट कौन से विच ऑफ़ द फॉलोइंग ब्लड वेसल कंटेंट द डिऑक्सीजनेटेड ब्लड डिऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से जो है वेसल में रहता है पलमनरी आर्टरी में उसके बाद कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज द ब्लड टू द पलमनरी आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड टू द किसे मायोकार्डियम जो कि आपकी लेयर रहती है हार्ट की उसके बाद वाट इज द ब्रांड नेम ऑफ डिगोक्सिन डिगोक्सिन का ब्रांड नेम क्या है लेनोक्जिन उसके बाद कार्डियस्कुलर ड्रग एक्ज डेयर एक्शन टू मॉडिफाई कार्डियक आउटपुट तो किसपे कार्डियोवस्कुलर ड्रग जो है वो एक्सीशन एग्जर्ट करते हैं हार्ट एंड ब्लड वेसल पे उसकी वजह से क्या होता है कार्डियल आउटपुट का मॉडिफिकेशन हो जाता है उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द कार्डियोटॉनिक ड्रग कार्डियोटॉनिक ड्रग में कौन आता है गिटॉक्स जीन उसके बाद विच ड्रग इज यूज फॉर द लोअर द लिपिड लेवल क्लोफी ब्रेड उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज अ वारफारिन वार्फारीन करके यूज किया जाता है एंटी कोगुलट विच ड्रग इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एन हार्ड फोर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ड कौन सा ड्रग इंक्रीज करता है कार्डियोट्रॉनिक ड्रग उसके बाद ऑन द हाइड्रोलिसिस कार्डियोट्रॉनिक ड्रग प्रोड्यूसेस हाइड्रोलिसिस पे कार्डियोट्रॉनिक ड्रग क्या प्रोड्यूस करते हैं शुगर एंड अग्लाइकॉन आर ऑन हाइड्रोलिसिस कार्डियोट्रॉनिक ड्रग प्रोड्यूसेस उसके बाद वे द अग्लाइकॉन पार्ट लिंक ग्लाइकोसाइटिक विद द शुगर मॉइटी देन इट इज़ कॉल्ड दैस अग्लाइकोन पार्ट जो रहता है वो ग्लाइकोसाइटिकली अगर शुगर से मिल जाता है तो वह क्या बनते हैं कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड उसके बाद व्हाट आर द बायोलॉजिकल सोर्सेज ऑफो डिजीटॉक्सिन डिजिटॉक्सिन के बायोलॉजिकल uh, सोर्सेज क्या है डिजिटेलिस परफ्यूरी और डिजिटेलिस लैनाटा उसके बाद विच कार्डियोटोनिक ड्रग इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ माओकार्डियल कॉन्ट्रेक्शन एज वेल एज यूज इन द कॉन्जेक्टिव हार्ट फेल्यूअर तो टॉक्सिन। उसके बाद व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ गिटॉक्सिन? गिटॉक्सिन का ब्रांड नेम क्या है डायनोकार्ड डिस्टर्बेंस इन कार्डियक रिथम इंडिकेट द कार्डियक अरिथमिया विच वन इज बिटा आइड्रो ब्लॉकर प्रोपेनोलॉल विच एंटी अरिथमिक ड्रग प्रोलोंग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल ब्रेटिलियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वेरा पैमिल उसके बाद विच एंटी और ड्रग इज़ यूज एज अल्टरनेटिव टू द क्विन टू ट्रीट द मलेरिया क्यूनी डिन उसके बाद प्रोनेस्ट्रिल इज द ब्रांड नेम ऑफ विच ड्रग प्रोकेड उसके बाद फोर अमाइनो यन इन ब्रैकेट टू दाईथिल अमाइनो इथिल बेंजामाइन इज एन आयुपैक नेम ऑफ विच ड्रग प्रोकेड उसके बाद इन हाइपर टेंशन देअर इज अ हाई सिस्टमिक ब्लड प्रेशर ड्यू टू द डिफिट डिफेक्ट इन द हिमोडाइनमिक फंक्शन टू अमाइनो इन ब्रैकेट थ्री इन ब्रैकेट थ्री फोर डाहाइड्रोक्सिप फिनिल टू मिथिल प्रोपेनोइक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ विथ ड्रग मिथिल डोपा उसके बाद लिपोमाइड इज द ब्रांड नेम ऑफ क्लोफि ब्रेड फोर अमाइनो यन इन ब्रैकेट टू डाईिल अमाइनो इथिल बेन्जामाइड इज द केमिकल नेम ऑफ प्रोकेनामाइड कार्डियक अरिथमिया मीन्स डिस्टर्बेंस इन द कार्डियक रिथम उसके बाद ब्रांड नेम ऑफ मिथिल डोपा अल्डोमेट अ कंडीशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक बाई द इलेवेटेड प्लाज्मा लेवल इज नोन एज हाइपरलिपिडेमिया और ब्रांड नेम ऑफ क्लोफिब्रेड क्या है एट्रोमाइड और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड ड्रग टारगेट इन कार्डिय अथमिया पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर बाकी का जो है ड्रग एक्टिंग ऑन ए एन एस एक सौ उनसाठ से लेकर जो है तीन सौ तक के एम सी क्यूज हम अगले पार्ट में देखेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टेलेंड